और क्या क्या दिया जाएगा सर, कुछ जानकारी? हमारा 2500 किलोमीटर का रोड का कल फाउंडेशन होगा जी। उसके साथ 11,000 आवास का भी बंटन किया जाएगा, बने काम का उनका संग स्वीकृत किया जाएगा, और जो बन चुका है उनको हैंडओवर होगा कल। हॉस्टल्स बनेंगे, आपका विद्यालय बनेंगे, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। आप देख रहे हैं केवल सच, देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज होटल जेनेक्स जमुई में जनजातीय कार्य मंत्री ज्वेल ओराम के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने दिया कि जो बिरसा मुंडा कार्यक्रम जो 4 वर्षों से लगातार चल रहा है उसको गति देने का काम करेंगे, और प्रधानमंत्री कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगे, और यहाँ पर जो ग्रामीण जनजाति आवासीय हैं उन लोगों को एक रोड मैप दिया जाएगा, अच्छे आवास दिए जाएंगे। क्या सर, और क्या क्या दिया जाएगा सर, कुछ जानकारी? हमारा 2500 किलोमीटर का रोड का कल फाउंडेशन होगा जी। उसके साथ 11,000 आवास का भी बंटन किया जाएगा, बने काम का उनका संग स्वीकृत किया जाएगा, और जो बन चुका है उनको हैंडओवर होगा कल। हॉस्टल्स बनेंगे, आपका विद्यालय बनेंगे, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। कल के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी देंगे प्रधानमंत्री? कल प्रधानमंत्री 11 बजे यहाँ लैंडिंग करेंगे और 1 बजे तक लगभग यहाँ प्रोग्राम चलेगा, तो इसमें प्रदर्शनी है उसको देखेंगे, कुछ जनजाति आर्टिजन माने जो काम किया हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप या बंधन विकास केंद्र का सक्सेसफुल स्टोरी है वो आए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। जमुई जिला को क्या मिलेगा? जमुई जिला को आपका 6 प्रखंड में 91 गाँव में पूरा संपूर्ण विकास सेचुरेशन हम करके दिखाएंगे। थैंक यू। मैंने काम किया, ये मंत्रालय होम मिनिस्ट्री में एक समय में था, वेलफेयर मिनिस्ट्री का नाम है, दूसरा समय में किया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, उसके बाद हुआ तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक टीडी डिवीजन था, एक जॉइंट सेक्रेटरी इसको हेड करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस टीडी डिवीजन को काट के पूरा अलग से भारत सरकार का एक फुल फ्लेज मंत्रालय बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी सबको दिया, इसका अंडर में कमीशन बाकी सबको दिया। तो उस समय में 8,000 करोड़ में से मेरे को काम चालू करने का शुरू किया था। आज मंत्रालय का अपना ही बजट जो है वो 1.5 लाख करोड़ है, लेकिन ये जो हम 17 मंत्रालय का TSP अप्रोच जो बोलते हैं, इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो भारत सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपया जनजाति के लिए खर्च करेगा, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है, और ये लास्ट 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अलग सोच है ना, इसका मॉनिटरिंग सीधा ये पैसा का हमारा मंत्रालय जो नोडल मिनिस्ट्री कर रहा है, और इसका कैबिनेट सेक्रेटरी का अध्यक्षता में ये मंत्रालय का बजट ठीक डाला जाएगा, ये भी एक एडवांटेज है। तो इसलिए एक क्रांतिकारी चेंज, एक रेडिकल चेंज बोला जा सकता है, कि पहले का स्टाइल में जो काम किया जाता था इसका काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया गया है। तो इसलिए ये एरिया में जमुई में इस एरिया का, बाकी एरिया में बिहार का जो पूरा मैंने लास्ट पटना से पूरा पूर्व लास्ट इलाका टाइप का, इसमें काफी काम में आएगा, ऐसा मैं अंदर को ठीक है सर।